नमस्कार, भावना तिवारी किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं नवरात्रों में व्रत में खाए जाने वाले आलू। आइए देखिए इस रेसिपी। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें एक चम्मच घी डालेंगे। मैंने बड़ा चम्मच लिया है क्योंकि ये व्रत के आलू बन रहे हैं तो इसमें घी ज़्यादा ही लगता है। अगर आप चाह रहे हैं तो कम भी डाल सकते हैं। घी गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें मूंगफली के दाने डाल दूंगी। मैंने मूंगफली ली है करीब 2 चम्मच के लिए। 2 चम्मच के करीब मैंने बादाम लिए हैं। बादाम को मैंने इस तरीके से काट लिया है, इसमें बादाम भी डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से ये थोड़ा सा भून चुके हैं। अब मैंने इसमें कोकोनट काटा हुआ लंबा लंबा, अब इसको भी इसमें डाल दूंगी। ये व्रत की रेसिपी है। आजकल नवरात्रे चल रहे हैं तो ये एक अच्छा मील है, पूरा शाम के टाइम खाने के लिए बहुत अच्छा मील है। हमारी मूंगफली अच्छी तरह से भून चुकी है, बादाम और कोकोनट भी अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। हमने इनको बाहर निकाल लिया है, अब हम आलू बनाना शुरू करेंगे। अब जो ये हमारा बचा हुआ तेल है, इसमें हम कड़ी पत्ता और मैंने 3 हरी मिर्च बारीक काट ली है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने कद्दूकस कर लिया था, इसको डाल लेंगे, इसको भून लेंगे। सबसे पहले हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे। इसमें हरी मिर्च भी डाल देंगे और अदरक भी डाल देंगे। तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह से भून चुका है, अब मैं इसमें आलू डालूंगी। मैंने 8 आलू को उबाल लिया था और उसको इस तरीके से उबालने के बाद काट लिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूंगी। इसको हमें चलाते हुए भूनना है। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से भून चुके हैं, इनका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब मैं इसमें नमक डालूंगी। इसमें 1 चम्मच सैदा नमक डालूंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच इसमें काली मिर्च पाउडर डालूंगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सो नमक मिक्स हो गया है। अब मैंने 1 नींबू का रस लिया है, इसमें 1 नींबू का रस डाल देंगे। इसमें मसाले कोई नहीं डालते हैं क्योंकि ये व्रत के लिए बनाए जाते हैं। इसमें सेंधा नमक और काली मिर्च पाउडर डाला हुआ है, बस हो गया। हमारे आलू अच्छी तरह से भून चुके हैं, अब मैं इसमें जो ये मैंने ड्राई फ्रूट भुने हुए थे अब इसको डाल दूंगी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, कितना टेस्टी दिख रहा है। ये जितना दिखने में अच्छा दिख रहा है उतने खाने में भी टेस्टी आलू बने हैं। हमारे आलू बनके तैयार हो चुके हैं, अब मैं इसमें ऊपर से हरा धनिया डालूंगी। मिक्स कर लेंगे।
अब आप इन आलू को पूरी के साथ भी खा सकते हैं और आप चाहे तो चाय के साथ स्नैक्स के तौर पर भी खा सकते हैं। अब हम इसको बाहर निकालेंगे। हमारे व्रत के आलू बन के तैयार हो चुके हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।